अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के कटनी में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष थीम के तहत दो दिवसीय विराट संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके पहले दिन धर्म संवाद का विषय रहा गीता से हर समस्या का समाधान कैसे हो। कार्यक्रम का शुभारंभ जोधपुर के स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज, धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा दीदी, इंदौर जोन के संयोजक बीके नारायण भाई, राजिम की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी, रायपुर के महंत विभार मुनि जी, अयोध्या धाम के श्रीवत्स महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कटनी से महाराज नीलेश पाठक समेत बड़ी संख्या में साधु संत महंत उपस्थित रहे। महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव स्वरूपानंद ने आयोजन में कहा कि गीता में विश्व की हर समस्या का समाधान है। गीता को पढ़ने के बाद किसी दूसरे ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती और गीता को समझने के बाद किसी भी चीज को समझने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही आचार्य पंडित परमानंद ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में ब्रह्मा कुमारी संस्था निरंतर लगी हुई है। ब्रह्मा बाबा गृहस्थ आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम में रहकर के पहला पवित्र गृहस्थ आश्रम का जो न्यू फाउंडेशन हमारे ब्रह्मा बाबा ने रखा और आज इस संस्था में ऐसे हजारों नहीं लाखों भाई बहन हैं जो पवित्र रह करके पूरे विश्व को पूरी प्रकृति को पवित्रता का सकाश दे रहे हैं। इन सब पवित्र आत्माओं को हमारा सत सत नमन। वैसे तो मैं सन्यासी हूँ, महामंडलेश्वर भी हूँ, आचार्य पीठाधीश्वर भी हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझको यहाँ एक बच्चे की तरह जोड़ा, अपने परिवार के एक सदस्य की तरह जोड़ा और आज भी अपने परिवार का सदस्य मानती हैं, ऐसी नवापारा राजिम से पधारी हुई हमारी परमसद देव परमादरणीय पुष्पाबेन जी। बीके मनोरमा दीदी ने इस मौके पर कहा कि जिस मंच में हमारे संतों का सहयोग मिले वो मंच धन्य हो जाता है। तो वहीं बीके नारायण भाई ने कहा, हमारे अंदर दिन प्रतिदिन जो भी बुराइयां, बदले की भावना और नफरत की भावना का बहुत बड़ा वृक्ष हमारे अंदर पैदा हो रहा है, उसे हम केवल ईश्वरी शक्ति से ही समाप्त कर सकते हैं। क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। आज का जो समाज जिसमें एक सौहार्द होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, उसके बजाय कुटिलता, दुष्टता, स्वार्थ परायणता हावी होती जा रही है। जो भारत कभी हमारा आध्यात्मिक गुरु कहलाता था, उसी भारतवर्ष के अंदर चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, आज सभी के अंदर विकृतियां ही विकृतियां दिखाई दे रही है। हमने एक एक संस्कृत के अक्षर भी समझ लिए, मुझे अनुभव कराओ ना कि योग है क्या। तो जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध संपर्क में आए, तब समझ में आया कि वास्तव में गीता का जो योग है वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही सिखाया जाता है। और सचमुच यहाँ आकर वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई। उसमें हम समझते हैं परमात्मा का परिचय। अभी तक जब कंफ्यूज होते थे, बहुत ही सुंदर भगवान प्रभु प्रत्यक्षता की बात हो रही है, तो भगवान तभी प्रत्यक्ष होगा जब सभी कहेंगे कि परमात्मा एक है, एक है, एक है। और सचमुच गीता में यह लिखा हुआ है कि परमात्मा एक है, एक है, एक है।